हाँ, तो एक विठुल नाम का राजा था, उसके सात लड़की थी। एक रोज राजा सातों लड़कियों को सामने बिठा लेता है, पूछने लगा, बेटी तू किसका भाग खाती है? बोला, पिताजी मैं आपके भाग का खाती हूं। जब दूसरी को पूछा गया, बेटी तू? बोले, पिताजी मैं भी आप ही के भाग का खाती हूं। इस प्रकार छह लड़कियों ने ऐसे ही बयान दिए। जब सातवीं को पूछा गया, कहने लगी, पिताजी मैं मेरे भाग का खाती हूं। राजा अपनी बेटी पर क्रोध में हो जाता है, और एक बूढ़ा लंगड़ा मोर था, उसके साथ में उसकी शादी करी कि मैं देखता हूं तेरा भाग। तो बताया कभी ने, हा राजा विठुल तेरी जाई बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई रे बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई बेटी सातूं बात बताई, सातूं बात बताई बेटी सातूं बात बताई, अभी रे सातूं बात बताई रे बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई बेटी सातूं रे बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई बेटी सातूं रे बात बताई, विठुल तेरी जाई बेटी सातूं बात बताई। है बेटी तो एक तरफ थी, है बेटी तो एक तरफ थी, है बेटी तो एक तरफ थी, अच्छे बेटी तो एक तरफ थी, एक बेटी कर रही तरक थी, एक बेटी कर रही तरक थी, बिन मोरा संग पर नाई रे बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई रे बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई रे बेटी सातूं बात बताई, सातूं बात बताई रे बेटी सातूं बात बताई, अति रे सातूं बात बताई रे बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई रे बेटी सातूं बात बताई, राजा था बूटी का हीना, राजा थर बूटी का हीना, राजा था बुद्धि का हीना, राजा था बुद्धि का हीना, मुश्किल कर दिया बेटी का जीना, मुश्किल कर दिया बेटी का जीना, होगी दुनिया में लोग हंसाई रे बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई रे बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई बेटी सातूं रे बात बताई, सातूं बात बताई बेटी सातूं बात बताई, अभी रे सातूं बात बताई रे बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई बेटी सातूं बात बताई, लंगड़ा वो लंगड़ा मोरा वो नहीं चलता, लंगड़ा मोरा वो नहीं चलता, लंगड़ा मोरा वो नहीं चलता, हाँ लंगड़ा मोरा वो नहीं चलता, पक्षी वो कुछ कह नहीं सकता, पक्षी वो कुछ कह नहीं सकता, वो रोवे अकेली बन के माई सातूं बात बताई, विठुल तेरी जाई बेटी सातूं बात बताई, राजा विठुल तेरी जाई बेटी रे सातूं बात बताई, सातूं बात बताई रे बेटी सा
तू बात बताई अभी रे सा तू बात बताई रे बेटी सा तू बात बताई राजा बिठुल दे तेरी जाई रे बेटी सा तू बात बताई राजा बिठुल दे तेरी जाई बेटी सा तू बात बताई। सजनों, पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है। उसके पिता ने एक बूढ़ा लंगड़ा मोर के संग शादी कर दी, उसी को परमात्मा समझ करके पद्मावती अपने पति के साथ में बियाबान जंगल में टाइम बिता रही थी। कुछ समय संजोग ऐसा बनता है, थोड़े दिन बाद वो मोर भी खत्म हो जाता है। तो अपने लंगड़े मोर पति को गोदी में लेकर के विलाप कर रही थी कि ये थोड़ा सारा था जीवन साथी, आज ये भी मेरे को अकेली को छोड़ के जा रहा है। तो कहने लगी, पिया चाल पड़ो रे मझधार में, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में। हाँ, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में। हाँ, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में, यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में। मछली नीर बिना तड़फावे, हाँ मछली नीर बिना रे तड़फावे, मछली नीर बिना तड़फावे, हाँ मछली नीर बिना तड़फावे, जंगल में कुण धीर बंधावे, हाँ जंगल में कुण धीर बंधावे, कोई साथी नर संसार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, छोड़ चलो रे मझधार में, हाँ छोड़ चलो रे मझधार में, वो पिया छोड़ चलो रे मझधार में, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में। बाबल ने बदनी तो कमाई, बाबिल ने रे बदनी ती कमाई, बाबल ने बदनी ती कमाई, हाँ बाबिल ने रे बदनी ती कमाई, लंगड़ा मोरा संग करनाई, लंगड़ा मोरा संग करनाई, वो तो रोवे रे अकेली उजाड़ में, मन छोड़ चलो रे मझधार में, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, छोड़ चलो रे मझधार में, हाँ छोड़ चलो रे मझधार में, वो पिया छोड़ चलो रे मझधार में, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में। शंकर जी खुद आन पधारे, शंकर जी खुद आन पधारे, शंकर जी खुद आन पधारे, हाँ शंकर जी खुद आन पधारे, पार्वती ने वचन उतारे, पार्वती ने वचन उतारे, ना फर्क कोई नर नार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में, हाँ पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में, वो पिया छोड़ चलो रे मझधार में, पिया चाल पड़ो रे यम द्वार में, मन छोड़ चलो रे मझधार में। हाँ तो सजनो, जब अपने लंगड़े मोर पति को गोदी में लेकर के विलाप कर रही थी, उधर से शंकर और पार्वती का आना हो जाता है। तो त्रिया के दुख को त्रिया जानती है। पार्वती शंकर के सामने हट पकड़ लेती, महाराज इस अबला नारी
इस घोर कष्ट को इसके दूर करो, तो शंकर भगवान उसको जिंदा कर देते हैं और उसको मानव शरीर दे दिया। जो मोर के सिर पे कलंगी होती है वो कलंगी रख दी। अब मोरध्वज नाम का राजा जिसने मोरागढ़ नाम की एक नगरी बसाई, उधर पद्मावती इसके माता पिता में दिखा पड़ जाता है, तो बेघर हो जाते हैं। भटकते भटकते उस मोरागढ़ नगरी में आ जाते हैं। जब पद्मावती अपनी मां और बाप को देखती है, पहचान गई। जब पद्मावती अपना भेद बताने लगी कि आप मेरी माताजी हैं, आप मेरे पिताजी में हैं, मां आपकी लड़की हूं, राजा रानी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि तेरे को एक मौर्या के संग परनाई थी और ये ठाट बाट रही राजा। फिर पहचान जो कलंगी थी, अपने बीती बात सारी बताई। इस प्रकार शंकर भगवान ने ये मानव शरीर देकर मेरा स्वाग बचाया था। सजनों, उधर क्योंकि अभिमान जो है भगवान के सामने किसी का नहीं चला, उधर अर्जुन के अभिमान हो गया था कि कृष्ण मेरा जैसा प्रिय मित्र और भगत संसार में तेरा कोई निशान नहीं होगा। तो कृष्ण ने कहा था, अर्जुन कुएं का मेंढक जब कुएं में एक चक्कर मार लेता है वो सोचता है मैंने संसार का चक्कर मार लिया। ये मेंढक वाली बात मत करे, संसार बहुत लंबा चौड़ा है, तेरी जगह तू भी ठीक है। लेकिन अर्जुन के इस बात का अभिमान था, अभिमान जो भगवान के सामने किसी का सजानी। अर्जुन और कृष्ण नकली साधु बनकर के उसी राजा मोरध्वज के द्वार पर आते हैं। द्वारपाल जो था चौकीदार उसको कहने लगे, भाई हम तेरे राजा से मिलना चाहते हैं, इसलिए जाकर उसको खबर दे। तो बताया कवि ने, अरे दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे टेर खड़े दरवाजे पर। दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे टेर खड़े दरवाजे पे। दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे टेर खड़े दरवाजे पे। दरवाजे पर खड़े हुए, दरवाजे पर खड़े हुए अपने दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे टेर खड़े दरवाजे पे। दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे टेर खड़े दरवाजे पे। दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे टेर खड़े दरवाजे पे। दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे टेर खड़े दरवाजे पे। राम नाम का शब्द कहा मुख से नाद बजा कर दी। राम नाम का शब्द कहा मुख से नाद बजा कर दी। नू बोले कहाँ राजा है हम जाएंगे दर्शन पा कर दी। अपने नू बोले कहाँ राजा है हम जाएंगे दर्शन पा कर दी। दे भिक्षा हमने गैर मिटा दे हृदय का अंधेर खड़े दरवाजे पे। दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे ढेर खड़े दरवाजे पे। दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे ढेर खड़े दरवाजे पे। दरवाजे पर खड़े हुए, दरवाजे पर खड़े हुए दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे ढेर खड़े दरवाजे पे। दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे ढेर खड़े दरवाजे। किसी चीज की कमी नहीं हीरे मोती जड़े हुए।
किस चीज की कमी नहीं रे मोती जड़े हुए। मोर दर्ज के दर्शन करे हम दोनों साधु खड़े हुए। मोर दर्ज के दर्शन करे हम दोनों साधु खड़े हुए। बड़े माया के ढेरी आग में मंत्री कर बखेर खड़े दरवाजे पर। तो साधु एक शेर जगारे अलग लगा रहे ढेर खड़े दरवाजे पे। तो साधु रे एक शेर जगारे अलग लगा रहे ढेर खड़े दरवाजे पे। दरवाजे पर खड़े हुए दरवाजे पर खड़े हुए। हाँ तो साधु रे एक शेर जगा रहे अलग लगा रहे ढेर खड़े दरवाजे पे। तो साधु एक शेर जगा रहे अलग लगा रहे ढेर खड़े दरवाजे पे। सजनों किस प्रकृति और किस नीति का कवि ने राजा को बताया है। भाई नौबत निशान नीति बाजते अनोखे साज बाजते अनोखे साज। नौबत निशान नीति बाजते अनोखे साज गंधर्व गुणी गा रहे दिखा रहे अपना काज। बड़ा सत्यवादी राजा सत्य से चलावे राज। रात दिन राजा देखो प्रभु का दर है ध्यान। राग कालाचारी मन कर नहीं अभिमान। कभी झूठ बोले नहीं सत का बढ़ावे ज्ञान। कहे भगवान सुनो शंका तो मिटाऊं थारी। मेरे साथ चालो देखो मोर दजे छत्रधारी। सभी ने देता है दान जो भी कोई आवे द्वारी। अर्जुन श्री कृष्ण जी ने योगियों का भेष किया। जाय बनमाए एक सिंह को पकड़े लिया। बड़ा भाग सिंह का जो प्रभु का दर्शन ने किया। चले तीनों बन से तीन मोर धज के आए द्वार। कहे भगवान एक बात सुनो डोडी वार। राजा जिसे जाए कह दे साधु दो खड़े हैं द्वार। तुरंत सुन के डोडीवान राजा से कही है जाए। तुरंत सुन के डो दीवान राजा से कही है जाए। द्वार पे दो साधु खड़े आपको रहे बुलाए। तुरंत सुन के राजा दौड़ा डोडी ऊपर पहुंचा आए। देखते हैं राजा रानी सिंह जी गर्दे है घोर। राजा रानी खड़े हो गए हाथ लिए दोनों जोड़। बहुत कष्ट हुआ होगा कहाँ से तुम आए दौड़। जब द्वारपाल अंदर जाकर खबर देता है कि महाराज दो साधु एक शेर द्वार पर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, चल करके मिल लो। राजा रानी दोनों द्वार पर आ जाते हैं। अर्जुन कृष्ण दोनों छलिया रूप बनाकर खड़े थे। त्रिलोकी का अनाथ कृष्ण खुद था, एक बाना बदल रखा था, लेकिन तेज कैसे छुप जाए। उन महात्माओं के तेज को देख करके राजा चरण छूकर कहने लगा, बोले महाराज अंदर पधारो, मेरे द्वार पर आए हुए ब्राह्मण और साधु को मैं भोजन करवा के यथाशक्ति अनुसार मैं कुछ दान दक्षिणा देकर भेजता हूं। अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा, भगवान भगत की श्यान की तरफ देख रहे हैं। तो खुद कृष्ण को बोलना पड़ गया, बोले राजा हम भूखे साधु हैं, भाई भोजन जरूर जिमेंगे, लेकिन हम तेरी तरह एक छोटा सा राजघरानों का राज नहीं करते। हम चार कूट का राज करते हैं। भोजन की हमें कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। तेरे द्वार पर हम जलपान कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिंह भूखा है। सिंह भोजन का सलीका तेरे घर में तो हो तो रोक, वरना टाल कर। राजा बड़ा ताजुब करके कहने लगा, महाराज सिंह के भोजन की आप जैसे संत महात्माओं की चरणों की कृपा से यहां पर कोई कमी नहीं। आपका सिंह जो भोजन जिमता है वो तुरंत तैयार करवा देता हूं, बकरे भैंसे मिठाई पकवान जो भी। बोले राजा बकरे भैंसे मिठाई पकवान हमारा सिंह नहीं जिमता है, सिंह जो भोजन जिमता है हम तेरे को बता देंगे, लेकिन वचन पहले दे दे। तो राजा बड़ा ताजुब करके कहने लगा, बोल महाराज इंसान के पास में तीन संपत्ति होती हैं, एक तो तन, दूसरा मन, तीसरा धन। मेरी तीनों संपत्ति आपके शरणों में हाजिर हैं, वचन क्यों लेते हो। बोले राजा वचन दे देगा तो हम तेरे द्वार पर जलपान कर सकते हैं, वरना यहां से भूखे जाएंगे। तो राजा विचार करता है कि भाई द्वार पर आए हुए साधु भूखे नहीं जाने चाहिए। तो राजा वचन भी दे देता है, साधु सिंह का भोजन बताने लगे। इतनी सुन के साधु कहे हमको नहीं चाहिए धन, हमको नहीं चाहिए धन।
नहीं सुन के साधु कहे हमको नहीं चाहिए धन, अमर नहीं रहना होगा जाना होगा एक दिन, नाम तेरा सुनकर हम तो द्वार आए संत जन। इतनी सुन के झट पट कहने लागे ब्रजवासी, सा पुत्र क्यों ना देवे चले हमें जावे काशी, कमर का तो आधा अंग सिंह तो जरूर खासी, खाम खामे रोक रखा झूठी क्यों करावे हंसी, खाम खामे रोक रखा झूठी क्यों करावे हंसी। जब राजा महात्माओं को वचन दे देता है, साधु कहने लगे राजा वचन तू दे चुका है, क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है कह करके बदला जाने का, लेकिन बाप का अकेले का संतान पर अधिकार नहीं होता है, जो तेरी अर्धांगनी है आधे अंग की साथन जो तेरी रानी है उसको भी जाकर पूछ ले, अगर वो नट जाएगी ये तेरी करी कराई भक्ति सारी बेकार चली जाएगी। साधु कहने लगे अरे पूछ करके रानी सती बात पूरी करो थारी, बात पूरी करो थारी, पूछ करके रानी सती बात पूरी करो थारी, जल्दी से जी माओ भोजन भूख तो लगी है वारी, चौका भी लगा के शुद्ध रसोई की करो तारी। इतने सुन के राजा कहे चलो साथ मुनि राय, ले आया महलों के अंदर आसन भी दिया विश्वास, ले आया महलों के अंदर आसन भी दिया विश्वास, कम रानी को बुलाए कमर को लिया बुलाए, आदि दही मांगी तेरी सुनो बेटा चित लाए, संतु ने बचन तेरे पिता से लिए बराए। बहता पानी निर्मल हो ऐसे जोगी रमता जी, बहता पानी निर्मल हो ऐसा जोगी रमता जी, दीक्षा पकड़ी पेट भर रहना एक जगह पर थमता जी, दीक्षा पकड़ी पेट भर रहना एक जगह पे थमता जी, करके ममता मेरी काटिल चौरासी का पेर खड़े दरवाजे पे, दो साधु एक शेर लगा रहे अलख लगा रहे ढेर खड़े दरवाजे पे, दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे ढेर खड़े दरवाजे पे, दरवाजे पर खड़े हुए, दरवाजे पर खड़े हुए, अरे दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे ढेर खड़े दरवाजे पे, दो साधु एक शेर जगा रहे अलख लगा रहे ढेर खड़े दरवाजे पे। तो राजा रानी के पास में चला जाता है, रानी को जाकर के लाचार होकर कहने लगा रानी मेरी इज्जत और आबरू आज तेरे हाथ में, क्यों दो साधु एक शेर साथ में द्वार पर खड़े हैं, वचन में दे चुका हूं तेरे पुत्र को अपन दोनों राजा रानी हाथों से चीरना पड़ेगा, क्यों पहले सिंह का भोजन तैयार करना पड़ेगा उसके बाद में साधु भोजन जीमेंगे। सजनों स्त्री जाति का पति ही परमात्मा होता है। रानी कहने लगी राजा बेटा दान में देना बहुत मामूली सी बात है, क्यों ऐसे ऐसे दानी हो गए जो खुद की काया का दान कर गए। लेकिन राजा को थोड़ा भय था कि भाई मां की ममता संतान के प्रति मां की आत्मा बहुत कोमल होती है, तो राजा कहने लगे हा अब तेरे हाथ में बात आबरू हे डाटिए रानी, भर लिए बचन में भूल से बेशक नाटिए रानी, तेरे हाथ में बात आबरू डाटिए रानी, भर लिए बचन में भूल से बेशक नाटिए रानी, अब तेरे हाथ में बात आबरू रे डाटिए रानी,
नाटिए रानी खबर लिए बदन में भूल से मैं सके नाटिए रानी ओ नाटिए रानी तेरे हाथ में बात आबरू नाटिए रानी भर लिए बदन में भूल से दे सके नाटिए रानी तेरे हाथ में बातिया बरूरे डाटिए रानी भर लिए बचन में भूलते बेसक रे नाटिए रानी बेटे के देने से घर में हो जा घोर अंधेरा बेटे के देने सर घर में हो जा गोरी अंधेरा जिसके लागे वो ही जाने के दूधे ने बेरा रे के दूधे ने बेरा मेरा तेरा बेटा आज तू बांटिए रानी भर लिए बदन में भूल से बेसक नाटिए रानी तेरे हाथ में बात आबरू नाटिए रानी भर लिए बदन में भूल से बेसक नाटिए रानी नाटिए रानी रे बेसक रे नाटिए रानी भर लिए बदन में भूल से बेसक नाटिए रानी ओ नाटिए रानी आया बे तेरे हाथ में बाजिया बरूरे डाटिए रानी भर लिए बदन में भूल से बेसक नाटिए रानी सारी दुनिया जाने से इस माँ बेटे का प्यार सारी दुनिया जाने से इस माँ बेटे का प्यार कह के हुआ लाचार धंधा काटिए रानी भर लिए बचन में भूल से बेसक नाटिए रानी तेरे हाथ में बात आबरू डाटिए रानी तन में भूल से बेसक नाटिए रानी नाटिए रानी बेसक नाटिए रानी अमर लिए बतन में भूल से बेसक रे नाटिए रानी रे नाटिए रानी भैया तेरे हाथ में बात आबरू डाटिए रानी भर लिए बसन में भूल से बेसक नाटिए रानी भैया तेरे हाथ में